हेलो फ्रेंड्स, हम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टेयर बनाते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। पहले हम लोग सेपरेट स्टेयर बनाएंगे, फिर आगे हम लोग जो वीडियोस लाएंगे उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर स्टेयर्स लगा के दिखेंगे। ओके ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सबका वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर वीडियोस आपको दिए भी हैं, इसको सब्सक्राइब करिए और फिर आगे चलते हैं। ओके स्टेयर को लगाने के लिए जस्ट क्लिक हियर, एंड आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपके पास स्टेयर बाय कंपोनेंट एक ऑप्शन होगा, स्टेयर बाय कंपोनेंट। यू कैन जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नाउ इफ यू सी हियर प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पर एक स्टेयर केस का बहुत ही सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे मोनोलिथिक स्टेयर होता है, दिस इज योर मोनोलिथिक स्टेयर। जस्ट क्लिक हियर, देन just go to any type and how much riser you want, 7 inch or 6 inches. Sometimes we'll use 6 inches or sometimes 7 inches, so whatever you want you can. Tread, aapko tread kitna rakhna hai, tread that basically will take 9 inches, so just click 9. And how much you want width, maximum we use 3 feet only width, so you can just put from here and set everything and then just apply. Okay, no big see, there is a noising is there. If you want to put your own noising, you can. Noising is means the portion which is extra in your tread. Okay, just click okay. Now after this just आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आइए और यहाँ से जाके इस तरीके से हम लोग जाएंगे और आगे स्टेयर को इधर लगाना है। कुछ लोगों को स्टेयर लगाने में प्रॉब्लम क्या आती है कि इधर लगाना है तो लगा नहीं पाते, उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक कैंसिल, और इसके बाद इजी वे में आप यहाँ से जाइए और यहाँ से जाके और ये पार्ट्स लग गया, देखिए इसमें प्रॉपर स्टेयर लग गई, और इसके बाद आप इसको यस कर देंगे। जैसे आप देखेंगे तो आपको तुरंत ही एक स्टेयर मिल जाएगी, और इस स्टेयर को अगर आप देखना चाहेंगे तो जस्ट गो टू व्यू, एंड व्यू पे जाने के बाद इस तरीके से हमारी स्टेयर दिख गई। अगर इसको आप रियलिस्टिक व्यू में करना चाहते हैं जस्ट क्लिक हियर एंड सी योर रियलिस्टिक। हमने देखा कि इस तरह से हम लोग इजिली स्टेयर्स बना सकते हैं, और इस स्टेयर में क्या है कि आपने अपना ट्रेड और राइजर सेट कर रखा है, सो उतने ही ट्रेड और उतने ही राइजर पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके अगर हम दूसरे टाइप के स्टेयर्स की बात करें तो यू कैन जस्ट क्लिक अगेन हियर एंड देन स्टेयर बाय कंपोनेंट, एंड सपोज यू वांट दिस वन स्टेयर बाय फुल स्पाइरल। अब आपने ट्रेड और ऑर्बिट सारा कुछ सेट कर रखा है सो आपको टेंशन नहीं, आपको क्या करना है जस्ट यहाँ क्लिक करना है और ये पुट हो गया, और आप देखेंगे अगर इसको ये फाइनल हो चुका है। ओके और नेक्स्ट इज स्टेयर सेंटर इन स्पाइरल, यू कैन जस्ट क्लिक हियर गिव योर सेंटर एंड देन वेयर फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर यू वांट टू फिनिश, जस्ट क्लिक लाइक दैट एंड देन फिक्स। तरीके से हम लोग सेकेंड टाइप की स्टेयर्स को लगा सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज स्टेयर एंड देन देयर इज अ एल टाइप एंड यू टाइप, बोथ आर नियर अबाउट सेम, सो जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट इफ यू वांट कैन पुट। ओके एंड जस्ट एंड सेकेंड वन, second type of stair is very important and very good actually, that is depend on your which type and how much stairs you want, you can just put from here stair by sketch. Suppose you want only three stairs, you can see yahan se run karna hai aapko, yahan se aise aap jayenge aur run karne ke baad aapko khud se isme sab kuch set kar sakte ho aap, jaise aapko keval itna jana hai yahi, aap itna aapko koi bhi rokega nahi. ab iske baad agar isko aap yes karenge to itne pe hi tayar ho jayega, to acha hota hai. और इसको जैसे हम लोग व्यू पे जाके 3D व्यू में देखेंगे तो ये देखिए आपको इजीली यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह से आपके स्टेयर्स बन गई है। अगर इस स्टेयर में हमें चाहिए कि यहाँ पे कर्व शेप बने स्टेयर्स में, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट स्केच का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पर राइजर पे जाना है, और यहाँ से आके इस तरीके से लाइन ले लिया हमने, हमें आर्क शेप देना है तो हम लोग यहाँ से आर्क ले लेंगे, और यहाँ पे जाइए और यहाँ जाके इस तरीके
जितना आपको आग से देना है उतना आग करिए और करके आप उसको फाइनल कर सकते हैं। आपको ये प्रॉपर इस तरीके से शेप में मिल जाएगा। ओके, अब इसी में आपको ऐसा करना है कि इसको और बढ़ाना है, इसको सेलेक्ट करिए, एडिट स्क्रिप्ट, कुछ भी नहीं करना है इसको बढ़ाने के लिए, बस यहाँ से ऐसे उठाइए और ये उठा जितना भी आपको स्टेट चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि आप इसको सेलेक्ट करिए और कितने फीट के ऑफसेट पे आप इसको तैयार करना चाहते हो आप खुद से इसको दे सकते हैं, और एक का दूसरा चाहिए, दूसरे का दूसरा, फिर आप देखिए खुद करते जाइए और उसी हिसाब से। मान लीजिए इतना पार्ट आपको यहाँ पे बच गया, सो आपके पास यहाँ पे ट्रिम कमांड होती है, इसको लीजिए और इसको लेकर पार्ट से यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, स्ट्रेच इज डन। और आप देखेंगे तो ये प्रॉपर आपको स्ट्रेच मिल जाएगी, जितनी स्टेयर आप चाहें उतनी स्टेयर आप चला सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेयर पे अगर हम रेलिंग चेंज कर सकें तो वो बेटर होगा। तो रेलिंग चेंज करने के लिए क्या होगा, पहले तो हमको रेलिंग लोड करना पड़ेगा। अगर अलग टाइप की रेलिंग चाहिए हमें तो देखिए हमारे पास स्टेयर्स तो बहुत हो गया, बट रेलिंग हमें दूसरे टाइप की थोड़ी अच्छी स्टेयर्स की रेलिंग चाहिए हमें। फॉर दैट इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड लोड बाय कंपोनेंट, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन लोड फ्रॉम हियर ऑल्सो वेर देर इज अ कंपोनेंट एंड देन प्लेस अ कंपोनेंट, जस्ट गो टू लोड फैमिली and in load family there is a stair, so we can just click here as stair and then search from here column door electrical and furniture lighting and railings, yes yahan pe railings hai, and just click here and then which type of blusters, that is called blusters, railing ko bluster bolte hain। तो किस तरह के ब्लस्टर चाहिए आपको यहाँ से आप देख लीजिए, पहले थंबनेल ये मैंने पहले से बनाया था फैमिली में, जो भी ब्लस्टर्स आपको पसंद है वो ब्लस्टर्स यहाँ से आप चूज कर लीजिए। जनरली हम लोग इसको पुट करते हैं थोड़ा देखने में इसका एस्थेटिक व्यूज गुड, तो जस्ट क्लिक हियर एंड पुट, और अभी हमने सिर्फ उसको लोड किया है। अब देखिए जैसे हमने लोड किया यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सम ऑफ ऑल लोड फैमिलीज आर सिलेक्टेड कैन नॉट बी लोडेड, तो समटाइम्स होता है क्या हमारी कुछ फैमिलीज लोडेड नहीं होती, तो देखिए अगर कोई फैमिली लोड नहीं हो रही है और लोड नहीं ले रही है तो क्या करना है आपको, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको जाना है, मीन्स अपने दिस पीसी पे जाना है, दिस कंप्यूटर पे जाना है, यहाँ पे जाइए आप, और यहाँ पे जाने के बाद आपको डिस पीसी पे जाना है और यहाँ पे जाके सी में जाइए, और सी में जाके प्रोग्राम डाटा में जाके आपको यहाँ पे ऑटोडेस्क का ऑप्शन मिलेगा, ऑटोडेस्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आरबीटी 2016 मिलेगा, और यहाँ पे लाइब्रेरी में जाइए और फिर इम्पीरिकल या मैट्रिक, इम्पीरिकल मीन्स फिट इंचेस और मैट्रिक मीन्स मीटर्स, सो यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप रेलिंग का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे रेलिंग है हमारे पास और यहाँ पे ब्लस्टर्स, अब आपको यहाँ से पता चल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखिए किस टाइप की रेलिंग आपको चाहिए, जो चाहिए वही लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी बॉक्स पे इसको रख देना है, सिर्फ प्रॉपर्टी बॉक्स पे इसको ट्रेस करिए, कोई भी फैमिली अगर इम्पोर्ट नहीं हो रही है सबसे ईजी वे है इसको इम्पोर्ट करने का, आप कई फैमिलीज में से प्रॉब्लम आई होगी तो आज से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। After this, just go to load into project. ठीक, अभी यहाँ पे आया नहीं है, इसके अंदर आ चुका है, हम लोग लगा के देखेंगे View 3D में। ओके, चलिए मान लीजिए हमको यहाँ पे लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे एडिट टाइप पे, और एडिट टाइप पे जाके ब्लस्टर प्लेसमेंट के सामने एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके जिस तरह का हमको ब्लस्टर हमने लोड किया है वो ब्लस्टर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। इसमें टू आए हैं, एक आया 18 इंच क्लास का और एक आया 24, मैंने 18 ले लिया, अप्लाई किया तो बहुत ही एक अच्छी काम होगा, देखिए अभी क्या होगा आपके सामने, जैसे इसको अप्लाई किया थोड़ा सा सिस्टम लोड हो जाता है, स्लो चलेगा,
हमें हमारे पास इतने ज्यादा बल्क में ये आ गए हैं कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा कौन सा रेलिंग है ये, राइट? देखिए हर जगह पे हमने वही रेलिंग लगा रखी है क्योंकि हमने डुप्लीकेट तो किया नहीं है। सो अगर आप इसके बीच में आपको प्रॉपर गैपिंग चाहिए मींस ब्लस्टर्स की एडिटिंग, तो इसको सिलेक्ट करिए और एडिट टाइप पे जाइए और यहाँ ब्लस्टर प्लेसमेंट पर क्लिक करके अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए बेस ऑफसेट, मतलब नीचे से अगर उठाना है कितना उठाना है यहाँ से, इसको यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। टॉप में आपको कैसा रखना है, टॉप में होस्ट रखना है कि टॉप में कोई दूसरी रेलिंग लगानी, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप ऑफसेट पहला वाला जो है उसका ऑफसेट कितना रखना है, उसको ऑफसेट आप कर सकते हैं, ऑफसेट उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पीवीएस, इसका हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है 4 इंचेस पे है, जो बहुत ही पास पास है। अगर हम इसको दूर दूर कर दें मीन्स अगर हम लोग 4 फीट पर कर दें तो प्रॉपर हमें ये मिल जाएगा। जैसे हमने इसको अप्लाई किया और ओके किया और अप्लाई करके ओके किया, आप देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम इस तरह से। बट अभी हम देख रहे हैं तो इसके नंबर्स कम हो गए हैं, तो वो भी देखने में हमें एस्थेटिक भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें थोड़ा क्वांटिटी इसको बढ़ा लेना चाहिए। मीन्स हम लोग को यहाँ पे ब्लस्टर प्लेसमेंट एडिट पे जाना चाहिए और यहाँ पे जाके हमने जैसे कि 2 फीट पर किया, तो हमें लगता है कि अच्छा एस्थेटिक भी आ जाएगा। 2-3 बार आप इसको करके देखिए तो आपको काफ़ी क्लियर होगा ये चीज़। ओके, जैसे हमने देखा आप देखिए प्रॉपर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से रेलिंग्स लगाते हैं और सॉरी ब्लस्टर्स लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस पर रेलिंग एडिट करते हैं, रेलिंग के कलर्स कैसे एडिट करते हैं, जरूर आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और जैसा कि मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं और हमारे कुछ फेसबुक के फ्रेंड्स बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच जो कमेंट करके जिन्होंने बोला कि मुझे आप वीडियोज दीजिए, उनके लिए मैं खास तौर से और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी रैबिट स्ट्रक्चर और रैबिट एमईपी पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हम और भी आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएं और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़े इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।